हो जाएगा, 3 दिन हड़ताल है कर्मचारी का। अच्छा, यहाँ बुरा हाल हो जाएगा, तो बंदे तो बीमार हो जाएगा, यहाँ सफाई नहीं होगा तो क्या परेशानी आ रही है भाई साहब यहाँ पर आपको? बहुत ज़्यादा परेशानी है। क्या चीज़ परेशानी है? गंदगी से बहुत बहुत ज़्यादा परेशानी है बंदे को। जैसे जैसे इधर आने जाने वाले को रहने वाले को यहाँ पर उसको ज़्यादा परेशानी है। तो कितनी गंदगी पड़ी है यहाँ? बहुत ज़्यादा गंदगी पड़ी है, 3 दिन हड़ताल हो जाएगा और गंदगी हो जाएगा। तो कोई थाने आता है इसे उठाने? आता है, हाँ उठाने तो आता है, मगर आता है टाइम से, कभी आया कभी नहीं आया बस। और अब 3 दिन की हड़ताल हो रही है? 3 दिन की हड़ताल है, आता है। कितनी परेशानी होगी? और परेशानी तो बहुत ज़्यादा होगा जी। सीएम सिटी करनाल के तकरीबन सफाई कर्मचारी 3 दिन की हड़ताल पर चले गए हैं, जिसको लेकर शहर के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर गंदगी के ढेर लगे पड़े हैं, सैकड़ों लोग काफी परेशान हैं। हम आपको बता दें कि प्रदेश भर के सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं, और इसी तरह की तस्वीरें करनाल नगर निगम की आपने देखी, जहां पर सफाई कर्मचारी पिछले 3 दिनों की हड़ताल पर बैठे हैं, और जिसको लेकर करनाल की कुछ तस्वीरें आपने देखी, मुगल करनाल और हाउसिंग बोर्ड की, जहां पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, बीमारियां फैलने का खतरा है, कई कई दिन से जो है कूड़ा सड़कों पर और सड़कों के किनारे जो है जमा हुआ है, लेकिन जिस तरफ कोई भी कार्रवाई प्रशासन की तरफ से या जिला प्रशासन की तरफ से नहीं की जा रही है। कमल मीडिया करनाल ब्रेकिंग न्यूज करनाल। गंदगी में आदमी जो है परेशानी ये है कि पार होने में दिक्कत हो जाएगा, और दूसरी बात है कि गंदगी से आदमी को बीमारी भी फैल जाते हैं। अच्छा, हाँ। तो और कितनी गंदगी है यहाँ पर? बहुत गंदगी है। तो अब भाई साहब 3 दिन की कर्मचारियों की हड़ताल है, कैसा देखते हो? 3 दिन में तो पूरा भर जाएंगे, सारा भर जाएंगे पूरे। तो सफाई करने आते हैं यहाँ? हाँ आते हैं, फिर चले जाते हैं। और अब 3 दिन आएंगे लगता है, क्या हालात हो जाएंगे? पता नहीं, अब हड़ताल है, आए ना आए, 3 दिन में बुरा हाल हो जाएगा। हाँ बुरा हाल हो जाएंगे। तो क्या हालात है अभी यहाँ के? यहाँ का तो अभी बुरा हाल है, आप देख रहे हैं सारे। क्या क्या परेशानी होगी इससे आपको?
परेशानी क्या, आदमी चलने वलने की दिक्कत हो जाएगा और कहीं सड़क में हो जाए तो और जाम हो जाएंगे। बीमारी होगी शहर में अगर कोई सफाई करने ना आए तो? बिल्कुल। पूरी भर जाएगा शहर।